वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। स्क्रीन ते नजर आ रहे निक्के निक्के बच्चे ते कर रहे गुरबाणी दा पाठ। इथे पाठ हम भी ऐसे लायो जिया है दिल नु छू के रख देण वाली तस्वीर बटाला दी है, जिथे दे नजदीकी वख-वख पिंडा दे बच्चे जड़े ने अपनी स्कूली सिक्ख्या भी इत्थे लैंदे ने, गुरबाणी दी सिक्ख्या भी लै रहे हन, अते शुद्ध उच्चारण अते गुरु शब्द दा ज्ञान भी इत्थे लै रहे ने। इह बच्चे इस गुरबाणी विद्यालय च रोजाना आउंदे हन। फिलहाल तुम दस दिए कि खालसा गुरबाणी विद्यालय चला रहे उस्ताद मोहिंदर सिंह ने दसिया है कि ओह यह सेवा बीते कई साल तो करते आ रहे हैं और बिना किसी फीस से यह विद्यालय चल रहा है। उन्होंने दसिया कि विसाखी का यह पावन त्यौहारा उन्होंने लिए बहुत अहम है, हर सिख लिए भी यह जरा विसाखी का त्यौहार है बहुत खास है। उन्हें भी दसे कि उस दिन वह अमृत संचार भी करवाते हैं और गुरबाणी विद्यालय बारे उन्होंने ये भी जानकारी दसी कि बच्चे जो इत्थे विद्यालय आते हैं उन्होंने बाणी पूर्ण कंठ हो जाती है और उन्होंने प्रमाण पत्र भी दिता जाता है। खालसे का साधना दिवस आ, दसवें पातशाह जी ने इस दिन ते अमृत छका के ते गुरु वाले बनाया, तो वो दिन बड़ा एक महात्मा वाहेगुरु महत्व रखता, बड़ा वड्डा बड़ा विशेष दिहाड़ा है खालसे का जन्म दिहाड़ा। इस दिन तो हर साल ही बड़ा पुरातन चरां तो ये विद्यार्थी आंदे सहयोग नाल महाराज की कृपा नाल ये पिंडां विच जाके ये बेनतियां करके आउंदे आ ग्रंथी सिंघां नूं, भई याद कराओ संगत नूं जिन्हां ने उस तरह ही महाराज दे लड़ लगना आ। तो वह जिस तरह महाराज साहब ने आप भी अमृत छकिया तो संगत नूं छकाया, इस दिहाड़े ते इत्थे बडाला ग्रंथियां भी जदों तो महापुरख आया करदे सीगे वड्डे संत करतार सिंह जी जदों भजन कीते विद्यालय लई उदों तो भी पहलां तो लै के इत्थे संगतां नूं विसाखी दे दिहाड़े ते अमृत छकाया जांदा, जिन्हां दे भाग जागदे आ उह आ जांदे आ। ऐरकी भी साडी तैयारी आ, महाराज कृपा करे जिन्हां दे भाग जागणगे पिंडां विच उहनां संगतां ने आपे आण के ते पंज प्यारिआं कोल अमृत छक के गुरू वाले बणगे, महाराज दी घर जुड़ के गुरु चरणा के नाल अपना जन्म सफल करे, नशे छड़नगे गुरु वाले बनगे। तो नाल ही समागम दो अमृत संचार रखे आ जी, दो बारी संगतां नूं बेनती की जाती है भई एक तो विद्यार्थी दे रूप में आके गुरबाणी सिक्ख्या करो भाई सिख के पढ़ो, नाले बच्चे आप भेजो चंगे पासे लगनगे, तो कोई दाखला फीस नहीं। आप अरदास बेनती की तो स्कूलों के कॉलेजों के विद्यार्थी कादियाँ बटाले तक ज लागे पिंडों विचों भी ये डेली 4 बजे स्कूल टाइम तो बाद ही टाइम रखा, छोटे छोटे विद्यार्थी भी विद्यार्थना बच्चिया भी सियाने भी कुछ जिन्हों के महाराज की कृपा न भागा च आ बाणी वो पाठ गुरबाणी का सीखण वास्ते गुरबाणी शुद्ध पाठ करन वास्ते कुछ 4 बजे तकरीबन पक्का टाइम लिखा हुआ डेली आप ही स्कूल टाइम तो बाद बच्चे आते विद्यार्थी, कोई फीस नहीं कोई दाखला नहीं, सारा जदों सीख लेंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिते जाते हैं। कोई श्रोमणी कमेटी में ड्यूटी करता, कोई बाहर आ, कोई पिंडा विच आ, कोई घर विच आ, कोई पिंडा च ग्रंथी बैठे हुए आ, कोई किसी को मंग के नहीं। हाँ जी हाँ, कोई बस फ्री सेवा कणक हाँ गुरु की बाणी के नाल सारे जुड़ते आ। मैनू बड़ी खुशी आ महापुरखों का बचन इस तरह ही अरदास आ भी निभ जाए तो इन्हों पढ़ाद्या अगे टाइम तुसीं देख लो भी किन्ना हो गया 30-40 साल हो गए लगभग। मैं कोई होर काम नहीं करता, इन्हां बच्चों विद्यार्थियों डीकदा रहिंदा, मैनू बड़ी खुशी आ। अपने घर में भी 2-4 बच्चे जिन्हें 2 बेटियां 2 बेटे वह भी सारे बाहर इस तरह ही प्रचार कर रहे हैं हजूर साहब महापुरखों कोल ने, कुछ बाहर गए आ इस तरह विद्यार्थी भी कुछ बाहर गए आ उत्थे भी इस तरह बाणी पढ़ते अगे सिखाते विद्यालय चला रहे आ। मैनू बड़ी खुशी आ, सानू इहदे विच्चों सब कुछ मिलिया नाले वड्डी खुशी है भी हुण समां वेखो किस तरह आ ते बच्चे चंगे पासे लग रहे आ, उहनां दे माता पिता छोटे छोटे बच्चों नूं आप छड्ड के जांदे आ, कोई नशियां तों बचणगे माड़ी संगत तों बचणगे। हाँ जी इहनां आपे ही आ बाणा बदल के महाराज दा ये बाणा पा के स्कूल की वर्दी बदल के आपे ही आ जाना हुंदा उत्ते, महाराज सच्चे पातशाह जी दे विद्यालय च महाराज दे प्रकाश आ सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, इन्हां पैर धो के हाथ धो के मत्था टेक के आपे गुटके साहिब पोथियां साहिब लै के बह जाना, 2-3 घंटे की गल आ फिर चले जाना स्कूलों च पढ़ते भी आ, नाल ये भी लाहा नाल सानू भी लाहा मिल रहा रब का नाम लेंदे आ।
तो अरदास है भी गुरु साहब कृपा करन जिन्ना चिर मेरे सुवास ने शरीर बनिया ये मेरी सेवा निभ जाए महाराज आप ही निभा लैन। मैनू बड़ा चा हों कि विद्यार्थी ऑन टाइम हो जाए तो मैं भी लागे बैठा नाले बाणी इन्ना मैं भी सीख रहा ये भी सीख रहे जड़ा जिन्ना क मैनू पता हो मैं इन्होंने दसदा हाँ तो बड़े वधिया ये ढंग दे नाल जिन्ना को हो सकता फिर अखंड पाठ साहब करते अपनी रोजी कमाते कोई श्रोमणी कमेटी भी जाके ड्यूटी करते अखंड पाठियों हाँ जी कोई ग्रंथी ने कुछ कथा करते प्रचार करते दूसरे नूं प्रेरदे भी इधर लगो भाई नशे छड्डो अपना जीवन सफला करो बाणी पढ़िया करो। हाँ जी तो मैनू बड़ी खुशी है जी उधर गुरबाणी का पाठ करे इन्होंने निके निके बच्चों के नाल जो गलबात की गई तो उन्होंने की कुछ दसिया आओ तो हम सुनते हैं। जंग शेर सिंह बहुत वधिया लगता हूँ तो असं बहादुर सिखाते हाँ जी ब एडम त एडिक न आ इडी सारी ए इडी ला ए एड दिलावा ए उड़े हो रहा ओ एड करना आओ एड लेट पे आंग एड करना ते बंदी ना करनल जोत सिंह जी। हाँ जी सानू बहुत वधिया लगता अं पहला स्कूलों अं पहला स्कूल जाने सवेरे तो फिर दुपहरे आन के स्कूलों फिर चार बजे अं पूरे इतने संथ्या आ जाने फिर इतने पाठ सीख के तो फिर अं चल जाने। हाँ जी उदा आते खेडा भी जरूरी हैं तो पर खेडा वाला थोड़ा ध्यान होंगे पर इदा पाठ वाला ज़्यादा ध्यान होंगे वा तो नौजवानों बस एको बेनती है कि नशे छडो तो गुरु वाल बने सानू कि हूँ यो आ कि बस जिदा दी हूँ तुम पता पीढ़ी किदा चलन दी आ तो इस करके सारिया गुरु वाले बनना चाहिए वा नशिया का त्याग करना चाहिए वा तो गुरबाणी पढ़नी चाहिए है। मेरा नाम बिक्रमजीत सिंह है जी इतने 10-2000 तकरीबन 9 तो पहला इतने संथ्या शुरू की 2013 तक उस्ताद बाबा महेंद्र सिंह जी होना को गुरबाणी की संथ्या करते रहे जिमें स्कूल पहले पढ़न चाहिए ही फिर पढ़ के 4 बजे ना 4:30 बजे इतने पहुँच जाइए ही विद्यालय के बच्चे तो बाबा जी बहुत उस्ताद जी प्यार संथ्या करवाया करते तो संथ्या करके उदों का महाराज की कृपा नाल रंग चढ़िया है इतों की संगत का विद्यालय का तो अगे फिर जिमें उस्ताद जी ने इतने नाल नाल गुरबाणी के अर्थ पढ़ाए अते होर भी उस्ताद जना कोलों विद्या पढ़ के तो हुण नगर विच विचर के होर पंजाब दे विच थावां थावां ते जा के प्रचार करीदा जदों इत्थे आईदा फिर इत्थे अपने जदों घरे होईदा इत्थे आ के दर्शन मेले करीदे हन मन नूं बड़ी खुशी हुंदी है कि इस स्थान तों विद्या पढ़ी तो उस्ताद जी ते समूह विद्यार्थियों का धन्नवाद जिन्हां ने अपनी संगत दे के गुरु चरणां नाल जोड़िया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਦਸਮਨ ਇਸ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।